एक बार एक टीचर और स्टूडेंट थे, उन लोग फॉरेस्ट में राउंड मारने के लिए गए। तो राउंड मारते मारते टीचर ने देखा कि रास्ते में एक बहुत छोटा सा पौधा है। उस छोटे से पौधे को देखने के बाद टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि इसको उखाड़ो और उखाड़ के फेंक दो। स्टूडेंट ने उस पौधे को ऐसे पकड़ा, हाथ से उंगलियों के बीच में पकड़ा, उखाड़ के फेंक दिया। उन लोग आगे बढ़े, टीचर स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद उन लोगों को एक और पौधा दिखाई दिया जो कि हाइट में थोड़ा सा बड़ा था। तो टीचर ने फिर से अपने स्टूडेंट से कहा, इसको भी उखाड़ो और उखाड़ के फेंक दो। लड़के ने उसको अपने हाथ से पकड़ा, मुट्ठी में पकड़ा और उसको उखाड़ के फेंक दिया। फिर से टीचर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को एक और पौधा मिलता है जो कि हाइट में लगभग उस स्टूडेंट के हाइट के बराबर था। टीचर ने फिर से कहा, इसको भी उखाड़ो, उखाड़ के फेंक दो। लड़के ने इस बार अपने दोनों हाथ लगाए और उसको उखाड़ के फिर से फेंक दिया आसानी से। तो टीचर स्टूडेंट फिर से आगे बढ़े और उन लोगों ने एक और बड़ा पौधा देखा जो कि अब काफ़ी हाइट में ऊंचा था, लड़के की भी हाइट से काफ़ी ऊंचा था। टीचर ने फिर से कहा, इसको भी उखाड़ो, उखाड़ के फेंक दो। इस बार स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की, उसको उखाड़ा, काफ़ी मशक्कत की, लेकिन लास्ट में उसने उखाड़ के उसको फेंक दिया। हाँफने लगा लड़का हाँफते। फिर से टीचर स्टूडेंट आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन लोगों को एक बहुत ह्यूज आम का पेड़ दिखा और उस आम का पेड़ का टॉप कहाँ था लड़के को दिखाई ही नहीं दे रहा था। टीचर ने इस बार अपने स्टूडेंट से कहा, इस पेड़ को उखाड़ो, उखाड़ के फेंक दो। अब स्टूडेंट ने अपने टीचर से कहा कि सर, मैं ये नहीं कर सकता, उखाड़ नहीं पाऊंगा मैं इस पेड़ को, मैं बहुत कमज़ोर हूँ इसके आगे, बहुत छोटा हूँ इसके आगे, मैं हार मानता हूँ। तो टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, कुछ ऐसी ही होती हैं तुम्हारी आदतें। हमारी हैबिट्स जब स्टार्टिंग में होती हैं पैदा, तो वो बहुत छोटे से पौधे की तरह होती हैं। हम लोग उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं एक हाथ से, लेकिन समय के साथ उस पौधे के रूट्स हमारे दिमाग में अंदर तक जाने लगते हैं और समय के साथ वो एक इतने बड़े पौधे बन जाते हैं कि हमको उसको उखाड़ के फेंकने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर हम उसको इग्नोर करते जाएँ और उस हैबिट को अपने पास रखे रहें, तो 50 साल में वो हैबिट इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको उखाड़ने से भी हम पीछे हट जाएंगे, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम लोग हार मान लेंगे उसके आगे और खुद कहेंगे कि मैं इस आदत के सामने बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत छोटा हूँ और इस आदत को छोड़ पाना मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए आपकी जो भी गंदी आदतें हैं, जो भी हैबिट्स हैं, जो कि आपको लगती है ये हैबिट मेरे ऊपर हावी हो रही है और मैं इसको अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, याद रखिए, अगर आपने उसको अभी नहीं सुधारा तो वो समय के साथ उस आम के पेड़ के जैसा हो जाएगा कि उसको आप उखाड़ने से पहले ही हार मान लेंगे और कहेंगे कि भाई ये तो मुझसे नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैबिट्स के ऊपर, हैबिट्स कैसे बनती हैं और कैसे आप उनको सुधार सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको फुल स्क्रीन पे कर लीजिए और जो नीचे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरे वीडियोज़ देख रहे हैं, उसको रोक दीजिए। और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं और आप साथ में अपना फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, सब बंद करके इसको फुल स्क्रीन पर ले आइए, लास्ट तक देखिए, काम का वीडियो होने वाला है आपका। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये समझते हैं कैसे हैबिट्स क्रिएट होती हैं हमारे दिमाग में। हैबिट्स क्रिएट करने के लिए तीन पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। इन तीन स्टेप्स में हमारी हैबिट्स बनती है। अब ये क्यू क्या होता है? क्यू एक एक्सटर्नल चीज़ होती है, एक बाहरी चीज़ होती है जो कि हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि हमको कोई स्पेसिफिक काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन है, सोशल मीडिया आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका फ़ोन यहाँ पे क्यू है, क्योंकि आप कभी भी अपना फ़ोन देखते हैं तो उसको उठा के आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मन करता है। तो उस फ़ोन ने आपके दिमाग को सिग्नल दिया कि आपको एक काम करना है। ये क्यों जब आपकी हैबिट स्टार्टिंग में क्रिएट हो रही होती हैं, उस समय एक्सटर्नल होता है, उस समय आपको कोई बाहर से आके सिग्नल देता है तो आप उस काम को करते हैं, अपने मन से उस काम को नहीं करते। लेकिन समय के साथ जब आप उस काम को करते रहते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं, तो वो क्यों एक्सटर्नल से शिफ्ट होके इंटरनल क्यों बन जाता है। इसका मतलब अब आपको किसी बाहर की चीज़ को सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये काम करना है, आपके अंदर से ही चाहत होगी। आप रूम में बैठे बैठे ऊब रहे होंगे, अचानक से आपके दिमाग में आएगा कि हाँ फेसबुक यूज़ कर लेते हैं, और आप अपना फ़ोन खोजेंगे कहाँ गया, उस रूम में है, नीचे वाले रूम में है, कौन से रूम में है, और फ़ोन लेके आएंगे और फेसबुक इस्तेमाल करेंगे। क्यों है वो स्टार्टिंग का सिग्नल देता है आपके दिमाग को कि आपको एक स्पेसिफिक काम करना है। इसके बाद आता है वो काम जो कि आप करते हैं, वो आपने फ़ोन देखा, आपके दिमाग को सिग्नल गया कि मुझे फेसबुक इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया देखना है। इसके बाद आता है रूटीन, सेकेंड स्टेप, आप एक्चुअली उस काम को करते हैं।
इसके बाद लास्ट में आपको उसका एक रिवॉर्ड मिलता है। आपकी कोई भी हैबिट है जिसको कि आपको लगता है कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस काम को करने से, उस हैबिट को अपनाए रहने से आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म का रिवॉर्ड मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने फेसबुक ओपन कर लिया तो आपने देखा कि आपने जो पोस्ट अपलोड किया था उस पर आपको 40 लाइक्स मिले हैं और 17 कमेंट्स मिले हैं, तो आपको एक रिवॉर्ड मिल गया। अरे वाह, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, फैबुलस पिक, नाइस पिक डियर। तो अब आप फिर से फोटो अपलोड करते हैं। ये रिवॉर्ड जो है, जो इसका लास्ट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस हैबिट लूप को फिर से स्टार्ट करने में। ये जो रिवॉर्ड मिला आपको, इसी रिवॉर्ड को पाने की चाहत में आप फिर से वो काम रिपीट करके करते हैं, फिर से वो काम रिपीट करके करते हैं। और आप उस काम को जितनी बार रिपीट करके करेंगे, आपके उस पौधे का, आपके उस हैबिट्स के पौधे के जो रूट्स हैं आपके दिमाग में, उतने नीचे तक उतरते जाएंगे, उतने नीचे तक उतरते जाएंगे, और वो पौधा उतना ग्रो करता जाएगा। एक समय आएगा जब आपको एक्सटर्नल क्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक समय आएगा जब आपको किसी को बाहर से सिग्नल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस वक्त ये क्यू हट जाता है। फिर आपको इस क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आती है चीज़ें कि नहीं, मुझे ये काम करना था, उस टाइम मैंने किया था तो मुझे ऐसा ऐसा रिवॉर्ड मिला था, इतने लाइक, इतने कमेंट मिले थे, मैं फिर से अपलोड करता हूँ। इसी तरह से आपकी कोई भी हैबिट हो, नो मैटर व्हाट, जिस भी हैबिट से आप परेशान हो, उसमें कोई ना कोई ये क्यू होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि आपको कराता है याद कि हाँ, मुझे ये काम करना है, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम किया था तो ये रिवॉर्ड मिला था, तो फिर से करूँगा तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। फिर आप उस काम को एक्चुअली करते हैं और लास्ट में आपको उसका एक रिवॉर्ड मिलता है। हमारा जो माइंड है वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है जिसका आकार प्रकार सब फिक्स रहेगा और चेंज नहीं हो सकता। हमारे दिमाग में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग आदतों को दिखाते हैं। जब आप न्यू हैबिट्स को एडॉप्ट करते हैं तो आपके दिमाग में नए कनेक्शंस बनने लगते हैं। जब आप उस नए काम को बार बार 100 बार 1000 बार करते रहेंगे तो वो कनेक्शन स्ट्रांग होते जाते हैं। और सिमिलरली, अगर आपकी बहुत पीछे की आदत है जो कि आपने काफ़ी समय से अडॉप्ट करके रखा है, तो उसके कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और आप जब इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये कनेक्शन कमज़ोर होने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये कनेक्शंस कमज़ोर होकर टूट रहे हैं, तो मतलब आपके दिमाग में एक्चुअली आपके सेल्स में ये कनेक्शंस हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके, स्कैन करके देखा गया है हमारे दिमाग में कि हम लोग जब हैबिट्स को छोड़ रहे होते हैं, किसी को कोई बहुत ओल्ड हैबिट है हम लोग की, सिगरेट की, शराब की, वरना कुछ भी आपको एडिक्शन है, जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो कनेक्शंस कमज़ोर होकर टूट रहे होते हैं, आपके सेल्स का कनेक्शन टूट रहा होता है। इन अदर सेंस, आपके माइंड का एक हिस्सा टूट रहा है उस हैबिट को छोड़ने से। इसलिए हैबिट्स को छोड़ पाना इतना हार्ड होता है कि आप ही का दिमाग अपने ही एक हिस्से को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो चाहे अच्छा है आपके लिए लॉन्ग टर्म में, चाहे ख़राब है, आपका दिमाग नहीं चाहेगा कि उसका एक हिस्सा टूटे। इसलिए वो कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, एक तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फाइनली जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, उसमें सक्सेसफुल होने लगते हैं, तो भी ये हार्ड होता है, क्योंकि आपका दिमाग रिजेक्ट करता है अपने ही एक पार्ट को तोड़ने से। इसलिए जब आप कोई स्टार्टिंग में हैबिट अडॉप्ट करते हैं तो उसके कनेक्शंस बहुत वीक होते हैं, इसलिए इस समय इसको तोड़ पाना आसान भी होता है और आपके दिमाग को उससे उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को रिपीट करते जाएंगे, वो कनेक्शंस और स्ट्रांग होते जाएंगे, लास्ट में आके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और यही स्ट्रांग जब हो जाते हैं तो आपको एक्सटर्नल क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तक आप मोबाइल देखने पे आपको फेसबुक इस्तेमाल करने का मन कर रहा था, अब कुछ नहीं होगा। अब आप मोबाइल नहीं भी देखेंगे तो भी आप रूम में बैठे रहेंगे, उबते रहेंगे, आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि हाँ, मुझे फ़ोन यूज़ करना है। इससे पहले जब तक कनेक्शंस वीक थे तो आपके दिमाग से वो काम उतर जाता था, वो जो रिवॉर्ड आपको मिलता था वो उतर जाता था, और वो लेकिन वो जो एक्सटर्नल क्यू था वो आपको फिर से याद दिलाता था कि अरे हाँ यार, लास्ट टाइम मैंने ये काम किया था, रहो फिर से करता हूँ। तो क्यू का बस इतना रोल होता है कि वो आपके दिमाग को याद दिलाता है कि हाँ, ये काम करना था, ये रिवॉर्ड मिला था तुमको लास्ट टाइम उससे। लेकिन जब कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। इसलिए अगर आप अभी कोई हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं, नई हैबिट है, याद रखिए उसको तोड़ पाना बहुत ईजी है, क्योंकि वो कनेक्शंस भी वीक हैं, हमारे दिमाग में अभी उसका एक पार्ट भी नहीं बना है, और अभी वो डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल क्यू के ऊपर। तो अगर आप सिंपली इस क्यू को, जो कि आपको बताती है, सिग्नल देती है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, उसको अगर आप अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे
तो आप इस हैबिट से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन अगर हैबिट्स ओल्ड हैं, काफ़ी समय से वो हैबिट्स आप एडॉप्ट करके बैठे हैं, तो वहाँ पे तो आपको क्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ पे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है कि ये काम करना है, ये रिवॉर्ड लेना है, ये काम करना है, ये क्योंकि कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अब वो दिमाग का एक हिस्सा बन गया है आपकी वो आदत। इसलिए अब आपको बाहर से किसी चीज़ की लाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके दिमाग का जो पार्ट है वही आपको याद दिलाता रहता है कि हाँ ये काम करना है मुझे। इसके लिए आप रिवॉर्ड को सेम रखिए लेकिन रूटीन चेंज कर दीजिए। सिंपल शब्दों में कहें तो मैंने अभी अभी कहा कि आप काम कोई भी करते हैं उससे आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, और उसी रिवॉर्ड को पाने के लिए आप उस काम को फिर से करते हैं। इसलिए कुछ ऐसा सोचिए कि ये जो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं कौन सा और काम करूं कि मुझे ये सेम रिवॉर्ड मिले, बस इस काम को ना करूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको फेसबुक इस्तेमाल करने की हैबिट है, आप फेसबुक पे जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको मिलता है कि कुछ लाइक्स आए हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ लोगों ने आपको अच्छा कहा, वरना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नए आइडियाज़ मिलते हैं। तो आप ये सोचिए कि मैं क्या ऐसा इस्तेमाल करूं कि उससे मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिले, रिवॉर्ड मेरा सेम रहे, लेकिन काम दूसरा रहे। फेसबुक के अलावा मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे सेम रिवॉर्ड मिले मुझे। तो जब मैं फेसबुक छोड़ रहा था क्लास 12th में, तो मैंने फेसबुक को रिप्लेस कर दिया क्योरा से। क्योरा.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको। तो मैंने कहा कि अब से मेरा कभी भी फेसबुक इस्तेमाल करने का मन करेगा, मैं फेसबुक ना इस्तेमाल करके और इस्तेमाल करूँगा। इस तरह से फेसबुक की जो हैबिट थी वो रिप्लेस हो गई एक अच्छी हैबिट से, जो कि थी क्योरा की हैबिट। अब इसी तरह से आपको भी ये फिगर आउट करना है कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं और उससे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उस काम को किस ऐसे काम से आप रिप्लेस कर सकते हैं कि रिवॉर्ड आपको सेम मिले। थर्ड स्टेप में हम ये बात करते हैं कैसे आप न्यू हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमने अब तक देखा कि कैसे आपके जो ओल्ड हैबिट्स हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक हैं, कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं, अब बात करते हैं कि जो अच्छी आदतें हैं, एक्सरसाइज करने की, अच्छा खाना खाने की, किताबें पढ़ने की, कैसे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फिर से वही सिंपल सा रिवॉर्ड सिस्टम लेंगे हम। आप अपने आप को रिवॉर्ड देना स्टार्ट कीजिए कि अगर मैं ये काम करूँगा, अगर मैं हर रोज़ सुबह उठ के एक हफ्ते तक लगातार एक्सरसाइज करता रहा, तो हफ्ते के लास्ट में अपने आप को ऐसा ऐसा रिवॉर्ड दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपने लिए मूवीज़ को रिवॉर्ड रखता हूँ, फिल्में। मुझे मूवीज़ की एडिक्शन है, अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियोज़ देखे होंगे तो उसमें मैंने किसी में बताया भी होगा शायद। इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब से अगर मैं एक हफ्ते में एक किताब ख़त्म कर लूँगा तो मैं एक मूवी देखूँगा। इस तरह से आप अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट कर लीजिए कि आप क्या अच्छा काम करेंगे तो आप खुद को कौन सा रिवॉर्ड देंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या सज़ा देंगे वो भी डिसाइड कीजिए। मैंने अगर ये काम नहीं किया तो मैं अपने आप को ये सज़ा दूंगा, ऐसा ऐसे काम करूंगा। इस तरह से आप नए हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक चेतावनी दूंगा, वो इस वीडियो ख़त्म होने से पहले एक वार्निंग, जो आपकी ओल्ड हैबिट्स हैं वो मरती नहीं है सर, आप अपनी आदतों को मार नहीं सकते। ये आप सोचिए कि मेरे बहुत ओल्ड हैबिट है, 5 साल से 8 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इसको मार के ख़त्म ही कर दूँ एकदम से, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी आदतों को मार दें। आप बस उस कनेक्शन को कमज़ोर कर सकते हैं, बहुत इतना कमज़ोर कर सकते हैं कि वो आप पे हावी ना हो, लेकिन आप मार नहीं सकते। इसका रीज़न क्या है, इसका एक्चुअली बहुत अच्छा रीज़न है, वो ये कि आप अगर अपनी हैबिट्स को ऐसे ही मार देते तो आपको बहुत सारी चीज़ें बार बार सीखनी पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लिखना आता है, आपको कख गघ ABCD ये सब आपने बहुत सालों पहले सीखा था, आज भी आपको आता है, लेकिन समर वैकेशंस में जब हम लोगों का एक क्लास कंप्लीट होता है, उसके बाद 1-2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, हम सारे लोग लिखना पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन फिर से जब स्कूल खुलता है तो क्या आप लिखना पढ़ना उतर जाता है आपके दिमाग से, आप लिखना भूल जाते हैं? फिर से आपको कोई हाथ पकड़ के लिखाना सिखाता है, अरे तुम ऐसे लिखते थे, याद करो ऐसे, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करते हैं? नहीं, आपको लिखने की हैबिट याद रहती है। इसलिए अगर आपकी हैबिट्स ख़त्म हो जाती, आपको हर साल लिखना सीखना पड़ता LKG के बच्चों की तरह, 8-9 साल के बच्चों की तरह। चेतावनी ये है कि आपने जो आदतें छोड़ दी हैं, अगर आपने फेसबुक चला रहे थे, फेसबुक इस्तेमाल करने की आदत आपने छोड़ दी, फिर से उसको स्टार्ट मत कीजिए। वो एक शैतान की तरह है, जो कि मार तो नहीं सकते आप उसको, लेकिन भूखा रख के उसको इतना कमज़ोर कर सकते हैं कि आप पे हावी ना हो। जिस दिन आप उस काम को फिर से कर लेंगे, उस दिन उस शैतान को खाना मिल जाएगा और वो खाना खा के फिर से ताकतवर हो जाएगा और आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाएगा।
सो अगर आपने फैसला कर लिया है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, एक महीने के बाद आपके दिमाग में आता है यार काफ़ी समय से मैंने नहीं किया, एक बार कर लेते हैं लास्ट टाइम, बस इसके बाद नहीं करेंगे हम। तो अपने आपको लॉजिक देंगे कि यार एक बार इस्तेमाल करने से थोड़ी ना कुछ होता है, बस एक ही बार तो इस्तेमाल करेंगे। आप उसको फिर से इस्तेमाल करने जाएंगे, वो जो शैतान दिमाग के अंदर आपके भूखा बैठा था उसको खाना मिल जाएगा, वो खाना मिलकर फिर से ताकतवर होकर आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा। मरी नहीं है आपकी आदत, इसलिए आपने जो एक बार आदतें छोड़ दी हैं उसको फिर से पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो छूट गई हैं तो उनको रहने दीजिए वहीं पे। तो इस तरह से ये वीडियो आज का ख़त्म होता है। इस वीडियो में आपने सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे आपकी जो गंदी आदतें हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, कैसे जो अच्छी आदतें हैं उसको आप एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करके अडॉप्ट कर सकते हैं, और आपको क्यों जो आदतें एक बार आपने छोड़ दी हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं, क्यों आपको उन आदतों को फिर से नहीं पकड़ना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी अपनी जो गंदी आदतें हैं उससे निकल सकें और अच्छी आदतें अडॉप्ट कर सकें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा वीडियो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय।